मौका मिलेगा तो भैया पहले तो हम लोग इनिंग जिताएंगे, जो जो खिला रहे हम लोग तो उन्हें पहले जिताएंगे, बाद में देखा जाएगा। जो जनता को सरकारी गल्ला मुफ्त दिया जा रहा है, ये रामविलास पासवान जी की देन है, जिस पर आज लोग अपने फोटो छपवाए घूम रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं, ये उसके हकदार नहीं है। काम अच्छा हुआ, हर विकाप किया खन्ना जी ने, जहाँ पर जो चाहा हर विकाप किया। यहाँ जी खन्ना जी, जोगी जी, दोनों लोग अब तनवीरों सही है हमारे लिए, तो भैया तनवीरों सही है, कैसे कहते हैं। इस बार सरकार जो आएगी वो त्रिकोणीय सरकार आएगी, क्योंकि मैं भी यहाँ से नगर विधानसभा से खुद प्रत्याशी हूँ इस बार। यहाँ मायावती वोट है नहीं कहते, ज्यादा 10-20 हजार वोट मिलेगा बस इस विधानसभा से। पैसा देता रहे जब नहीं आ रहे, तो कहा हम तो आज नहीं रहे, हम जानता में नहीं मिल रहे। जीते जीत गए हैं, जीते नहीं जीत गए हैं, हम लोग सब पूरा मोहल्ला खन्ने जी का है, हमारा इमना सुरेश खन्ना है, हमारा इमना सुरेश खन्ना है, हमारा इमना सुरेश खन्ना है। तो सुरेश कुमार खन्ना जीतेंगे इस बार? जीते का है ना, जीत जाइए। सायाहपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के मोहल्ला सुभाष नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, स्थानीय लोग उनसे बात करेंगे कि इस बार चुनाव में माहौल किसका बन रहा है। यहाँ पर सुरेश कुमार खन्ना लगातार 8 बार से विधायक हैं और फिर से चुनाव अब नजदीक है। चाचा क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। किसका क्या माहौल है? बहुत बढ़िया, सुरेश खन्ना जी का बहुत बहुत सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है, काम धाम भी बहुत बढ़िया चल रहा है, राम मंदिर बनवाया भाई, सुरेश खन्ना को ही वोट देना है। मुख्यमंत्री कैसे हैं? बहुत बढ़िया, उनसे बढ़िया भाई, बहुत काम कर रहे हैं। खन्ना जी 8 बार से विधायक हैं जी, हम मालूम है सर, 8 बार, अगली 9वीं बार फिर मैदान में बनेंगे भाई, जरूर बनेंगे, पक्का विश्वास है। आप बताइए किसकी सरकार आ रही है? मोदी जी की आ रही सरकार। मोदी जी की? योगी जी हैं मुख्यमंत्री यूपी में और चुनाव जो इस वक्त फिर से विधानसभा का है। हाँ, तो योगी जी आएंगे अब, योगी जी आएंगे भैया। आप संतुष्ट हैं मुख्यमंत्री के काम से? जी हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि हम भी इस बार बेहतर काम करेंगे अगर मौका मिलता है तो। मौका मिलेगा तो भैया पहले तो हम लोग इनिंग जिताएंगे, जो जो खिला रहे हैं हम लोग तो उन्हें पहले जिताएंगे, बाद में देखा जाएगा। क्या खूबी इस सरकार की? सरकार क्या, हम लोग मान लो इतना भूखा लग गए, मान लो सबको गरीबों को खिला रहे बेचारे, बस राशन मिल रहा है, राशन मिल गया, फिर पैसा भी मिल गया लोगों को, सब और क्या चाहिए गरीब आदमी को। तो साइकिल में दम नहीं है क्या? अब भाई साइकिल का अलग, हम तो नहीं बता सकते क्या। तनवीर खान आपके यहाँ चेयरमैन रहते रहे हैं और वो भी इस बार फिर मैदान में है। हाँ मैदान में है, लेकिन उन्होंने दिया तो नहीं कुछ हम लोगों को, यहाँ क्या दिया, कुछ दिया उन्होंने आपने तो दिया ही नहीं हम लोगों को। बसपा की ओर से भी सर्वेश चंद्र मिश्रा उर्फ धांधू, वो भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, हम और भाई नहीं, हम तो सुरेश खन्ना जी को जानते हैं और इन्हें बस खन्ना जी ही पसंद हैं। जी हाँ जी। आपका क्या नाम है? सत्यपाल। किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी जी की। योगी जी की, मोदी जी की, योगी जी। खन्ना जी लगातार 8 बार से विधायक हैं, जिता चुके उन्हें, 9वीं बार भी जीतेंगे, 9वीं बार भी जीतेंगे, पक्का मन है लोगों का कि 9वीं बार भी जीतेंगे। चाचा आप बताइए। जीतेंगे वो, यहाँ जीतेंगे खन्ना जी, जोगी जी, दोनों लोग। और समाजवादी पार्टी में दम नहीं है? अरे दम नहीं है उसमें, कुछ नहीं है दम, क्या है? हाँ। कुछ नहीं दम, भाई जी धरे रह जाएंगे। मायावती उधर कह रही हम भी सरकार बनाएंगे, यहाँ मायावती वोट है ही नहीं कहते, ज़्यादा 10-20 हजार वोट मिलेगा बस इस विधानसभा से, पूरी विधानसभा से, और क्या। जैन का बस खन्ना जी जीतेंगे नंबर एक पे, और जोगी जी बनेंगे मुख्यमंत्री। अरे जी बताइए, हम लोगों ने काफ़ी जगह घूम के देखा विधानसभा में, खन्ना जी की लोकप्रियता काफ़ी, वजह क्या इसकी? वजह का सही आदमी है, अपने काम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, और क्या, यही है। आप बताइए क्या वजह है लोकप्रियता की खन्ना जी की? हमारा बहुत निकटतम है सुरेश खन्ना जी, हमारे मित्र भी रहे और उनके साथ ही काम ही किया हमने, बीजेपी कार्यालय भी चलाया हमने उन्हीं के साथ में।
नहीं आपकी तो चलो संबंध रहे उनसे और नहीं, 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 भाई सफाई व्यवस्था है, कोई काम के लिए जाते हैं तुरंत सुनते हैं, काम करते हैं, कोई बात होती है तुरंत पूरा आश्वासन देते हैं, काम भी करते हैं। आप बताइए किसकी सरकार आ रही है इस बार? सरकार जो आएगी वो त्रिकोणीय सरकार आएगी, क्योंकि मैं भी यहाँ से नगर विधानसभा से खुद प्रत्याशी हूँ इस बार। तो इस पार्टी से लड़ रहे हैं? मैं लोक जनशक्ति पार्टी से इस बार खुद यहाँ से नगर से विधानसभा प्रत्याशी हूँ। तो क्या लगता है कितनी बड़ी जीत हो सकती है? जीत जो है, जीत हमारी, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने का सीधा निर्देश है कि हम यहाँ पर सभी यूपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अकेले दम पर, किसी से कोई गठबंधन नहीं, और हमारे सारे जो भी लोजपा के प्रत्याशी हैं उनकी सीधी टक्कर भाजपा के कैंडिडेटों से होगी, और उम्मीद यह है कि हम अच्छे से अच्छी सीटें लेके जाएंगे यूपी से। आप यहाँ से जीतते हैं और मुख्यमंत्री अगर आपका बन जाता, सरकार बनती, तो कौन से ऐसे काम है जो करेंगे? सबसे पहले जो बेरोजगारी है उसको हम जड़ से ख़त्म करेंगे। जो हमारे युवा लोग जो पढ़ा लिख कर जो हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, सबसे पहले उनको रोज़गार दिलाने का मेरा कार्य रहेगा। उसके बाद जो बढ़ती महंगाई है उस पर कम करने पर जोर दिया जाएगा, और जो भी जनता की समस्या है उनको दूर किया जाएगा। महंगाई को कम करने का तो ये योगी सरकार है, उन्होंने भी कहा था कि महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी को ख़त्म करने की उन्होंने बात की थी, लेकिन कुछ हद तक लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, वो लगातार महंगाई को लेकर अभी भी आवाज़ उठती रही है। तो आपके पास ऐसा क्या फंडा है जिससे? नहीं, हम लोग जो हैं रामविलास पासवान जी के पार्टी के सिपाही हैं, और रामविलास पासवान जी ने हमेशा गरीब जनता की मदद की है। जो COVID-19 में जो जनता को सरकारी गल्ला मुफ्त दिया जा रहा है, ये रामविलास पासवान जी की देन है, जिस पर आज लोग अपने फोटो छपवाए घूम रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं, ये उसके हकदार नहीं है, ये केवल रामविलास पासवान जी की देन है। और रामविलास पासवान जी हमेशा गरीब जनता के मदद के लिए हमेशा साथ खड़े रहे और खड़े रहेंगे। उनके हम उन्हीं सिद्धांतों पर चलकर जो वादे कर रहे हैं वो पूरे भी करेंगे। हम उन नेताओं और विधायकों में से नहीं है जो जनता से वादा करने के बाद करें और चुनाव जीतने के बाद वो भूल जाएं। हम जो वादा करेंगे उसको निभाएंगे। जो वादा करेंगे वो निभाएंगे? जी हाँ, जो वादा करेंगे वो निभाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पर खन्ना जी 8 बार से विधायक हैं लगातार, आप कह रहे हैं कि हम भी चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, तो टक्कर बड़ी एक शख्सियत है जैसे टक्कर है? नहीं, टक्कर देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि वो शेर के पुत्र हैं, तो हम लोग भी उन्हीं की पार्टी के सिपाही हैं और वो 8 बार के विधायक हैं, कोई बात नहीं, हमारी टक्कर उनसे है, हम उसके लिए भी तैयार हैं, हर तरीके से तैयार हैं, हर तरीके से तैयार हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अनुभव सक्सेना। किसकी सरकार आ रही है इस बार? अब बीजेपी की ज़्यादा चांस लग रहे हैं इस समय। आपकी विधानसभा जो है, नगर विधानसभा जहाँ आप खड़े हैं, कौन जीत रहा है यहाँ से, कौन जीतेगा यहाँ से? कई प्रत्याशी हैं मैदान में, कौन जीत सकता है? खन्ना जी बीजेपी प्रत्याशी जीतने के आसार लग रहे हैं। खन्ना जी को जानते हैं आप? हाँ, जानते क्यों नहीं। कितनी बार से विधायक हैं यहाँ? 8 बार। 8 बार से? तनवीर खान साहब भी लड़ रहे हैं चुनाव, दम है कि नहीं? अब क्या बता, क्या है इतना देर? पता नहीं, आप वोटर हैं, आपको पता नहीं, आप बताइए। हम फर्क है कुछ नहीं, हमें मालूम है, उनसे पूछिए ना, यही रहते हैं लेके आदमी, हम तो किराएदार हैं। अरे तो क्या, रहते कहाँ, यही रहते ना? यही रहते हैं। आप रहते हैं, ये बताइए कैसा विधायक जी हैं जो खन्ना जी हैं यहाँ पर, लगातार 8 बार से हैं, क्या आपको लग रहा है सायामपुर में काम हुआ? काम अच्छा हुआ, हर विकास किया खन्ना जी ने, जहाँ पर जो चाहा हर विकास किया, जहाँ पर लेबरी कार्ड हर चीज़ खन्ना जी ने हमें उपलब्ध दिया, कि हमारे लेबर माध्यम में सब कुछ काम अच्छा किया। तो जीत जाएंगे इस बार? इस बार प्रत्याशी खन्ना जी विधायक होंगे। चाचा आप बताइए, खन्ना जी 9वीं बार जीत पाएंगे? जीते गए हैं, हम लोग सब पूरा मोहल्ला खन्ना जी का है, हमारा इमना सुरेश खन्ना है, मैं तन मन उनके पीछे रहते हैं 12 महीने 30 दिन। आपका नाम भी सुरेश खन्ना है? हाँ जी, मुझे पूरा गाँव को यहाँ खन्ने कहता है। क्या बात है, आपको खन्ना कहता है। अच्छा ये बताइए कि सुरेश कुमार खन्ना जी आपके जो नामा राशि हैं, उनकी लोकप्रियता की क्या वजह क्या है इतना? उनकी वजह जो है वो जीतते थे, उनकी वजह ये है, अब वो हर काम किसी पीछे नहीं रहते हैं, हर काम के लिए आगे निकलते हैं फटाफट। हम लोग पहुँचे फोन वहाँ चलते थे आगे, हम खुश आए तो काम करते हैं, काम की बात है, काम के लिए पहुँचे फर ये काम है खन्ना जी, तो वही काम होता है हम लोगों का, सीधे मिल जाते हैं जहाँ मिलना हो तो। हाँ वही मिलते हैं, वहीं पहुँचे, घर पर पहुँचे, जहाँ पहुँचे मिलते हैं। चाचा आप बताइए क्या नाम है आपका? नाम हमारा सतपाल।
कैसे हैं विधायक जी आपके? बहुत बढ़िया। जीत जाएंगे इस बार? बहुत बढ़िया जीतेंगे। बहुत बढ़िया जीतेंगे। हाँ, मिल जाते हैं जब आप लोग जाते? बिल्कुल बिल्कुल। काम हो जाता कभी? बिल्कुल, सब काम होता है। आप बताइए क्या नाम है आपका? मैं सक्सेना। बताइए कि कैसे हैं विधायक जी आप? विधायक से बढ़िया हैं, सही है। इस बार कौन परचम लहराएगा? परचम बीजेपी कर रहेगा। नगर विधानसभा सुरेश कुमार खन्ना जी जीतेंगे? खन्ना जी जीतेंगे अगर सुनेंगे तो। जीत जाएंगे। क्या वजह क्या है कि खन्ना जी लगातार जीते जा रहे हैं? खन्ना जी लगातार जीते हैं, उनकी सरकार है, सरकार जीत रहे हैं और काम करते हैं। अम्मा अम्मा क्या कह रहे हैं, आपकी बात सुनेंगे। पैसा हमारे नहीं उड़ाड़ में, हमारे तो नहीं आ रहे पैसा, हैं कछु नहीं आ रहे पैसा। काहे के पैसे नहीं आ रहे हैं? खेत कहेंगे जो आओ तो करे हैं। किसान सम्मान निधि? हाँ हाँ भाई, नहीं आ रहे हैं। क्यों क्यों नहीं आ रहे? पता नहीं, अब जा तो भाई तुम्हें लोगों मालूम हुई कहाँ आ रहे हैं। हम तो कहते डाल चुके हैं। खेती कहाँ है आपकी? यहीं आए खेल लेने किनारे। तो विधायक आपके जो सुरेश कुमार खन्ना, वो तो कहते हैं कि हम किसानों को पैसा दे रहे हैं। पैसा देता रहे, जब नहीं आ रहे तो कहा हम तो आज नहीं रहे, हम जानते हमें नहीं मिल रहे। अच्छा, और ये योजनाएं उनका लाभ मिला है? हाँ। और योजनाएं हैं सरकार की, उनका लाभ मिल रहा है? हाँ, मिली कहा है ना, मिली वो। राशन मिल रहा है? हाँ हाँ, राशन मिल लो। तो सुरेश कुमार खन्ना जीतेंगे इस बार? जीती कहा है ना, जीत जाइए। तनवीर कैसे हैं? अब तनवीर सही है हमारे लिए तो भैया, तनवीर सही है। कैसे कहते हैं तनवीरों सही हैं? आप बताइए चाची। चाची नहीं बताएंगे। भैया क्या नाम है आपका? अर्शद। अर्शद भाई यहीं रहते हैं? यहीं रहते, आगे शहर में ही ना? इस बार कौन विधायक बनेगा आपके यहाँ से? भैया खन्ना जी बनेगा। खन्ना जी बनेंगे? हाँ। ऐसी क्या वजह है कि खन्ना जी लगातार जीतते जाते हैं? जीते जाएंगे, काम ने अच्छा कराएगा, जीता जाएगा। वो चाहे हिंदू या मुसलमान हो, काम बढ़िया कराते हुए हैं। अरे कोई भी पहुँचे मिल जाते हैं? मिल जाते हैं, काम हो जाता है। काम हो जाता है, बिल्कुल जीतेंगे, वही जीतेंगे, वही जीतेंगे। लोगों का यहाँ पे कहना है कि इस बार भी यहाँ पर सुरेश कुमार खन्ना ही जीत हासिल करेंगे। आपको बता दें कि 8 बार से सुरेश कुमार खन्ना इस नगर विधानसभा से विधायक चुने जाते रहे हैं और इस बार फिर से चुनाव है, तो लोगों ने अपना मन बना लिया, बल्कि लोग कह रहे हैं कि उनकी जीत पक्की है। सायहापुर से सुमित सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।